क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे देखा जाए? राजीव जी, मोदी जी पे बहुत मोदी जी को ये कला आती है कि कैसे ध्यान भटकाया जाए। अच्छे दिन आने वाले हैं से शुरुआत हुई थी, फिर आया था आएगा तो मोदी ही या एक बार फिर मोदी सरकार, और अब राम नाम, द्वारका धाम, नाथ द्वारा, वो तमाम मंदिरों में जा रहे हैं, दक्षिण के तमाम मंदिरों में जा रहे हैं और उन्हें यही लगता है। लेकिन कांग्रेस के का हर मुद्दा बीजेपी की सरकार या कहना चाहिए नरेंद्र मोदी उठाते रहे हैं, उसे वो मानते रहे हैं, चाहे कोरोना काल में लोगों को लगने वाली सुई हो या और भी कोई मामला हो। मुझे पूरा विश्वास है, मैं मुतमईन हूं कि राहुल गांधी ने जो दो मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी में अब इतनी हिम्मत नहीं है, इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अग्निवीर को आगे भी इसी तरह जारी रखे। मुझे नहीं लगता कि जारी रख पाएंगे जी। जिस तरह एमएसपी के मामले में कांग्रेस ने तर्कसंगत बातें रखी और तर्क दिए हैं कि कैसे ये काम हो सकता है, उन सब तर्कों के बाद अब बीजेपी के पास कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और लोगों को पता है कि जो गेहूं वे खरीद रहे हैं या जो आटा खरीद रहे हैं वो उन्हें 40 से 60 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन किसानों को कितना मिलता है ये लोग जानते हैं। अगर डेढ़ गुना अनाज के दाम बढ़ते हैं तो भी किसानों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन इस बारे में मोदी जी अभी निर्णय नहीं ले रहे। लेकिन राहुल गांधी के और कांग्रेस के बयानों के बाद, कांग्रेस की पहल के बाद मोदी जी बाध्य हैं ये सब करने के लिए। मोदी जी में कला है कि वो भरमाते बहुत अच्छा से, मोदी जी के अलावा और कोई ये नहीं कहता कि आएंगे तो आएगा तो मोदी, न राजनाथ सिंह बोलते हैं, न गडकरी बोलते, कोई भी बीजेपी का नेता भी नहीं बोलता, केवल मोदी जी और उनके उनका मीडिया ही बोलता कि आएगा तो मोदी ही। और अब जो बार बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की गारंटी, गारंटी की गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी की गारंटी दे रहे हैं, तो ये सब जुमले अखबारों में महीनों पहले से विज्ञापनों की झड़ी लग गई, हर जगह पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, मोदी सरकार की गारंटी, सब सरकारी पैसे से हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है। और अभी जब भारत मंडपम में बीजेपी का महाअधिवेशन हुआ, उसमें तो मोदी जी ने कहा कि हमारा नाता है, क्योंकि मुझे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में होने वाले वैश्विक निमंत्रण मिल रहे हैं कार्यक्रमों के, तो मोदी जी लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि मुझे न्योते मिल रहे हैं, न्योते भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है, भारत सरकार तय करती है कि गणतंत्र दिवस पर हमारा मुख्य अतिथि कौन होगा, तो महीनों पहले तय होता है और वो न्योता किसी व्यक्ति को नहीं भेजा जाता, राष्ट्र प्रमुख को भेजा जाता। तो नरेंद्र मोदी इस तरह लोगों को भरमा रहे हैं कि देखिए मुझे न्योते मिलने लगे, मतलब मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूं ही, फिर वे लोगों से कहते हैं कि देखिए हम इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इन सब चीजों में वो ये बताना भूल जाते हैं कि भारत में पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया है, जो 55,000 करोड़ का कर्ज था वो 1,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। 2,05,000 करोड़ जी 2,05,000 करोड़ बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए कितना कर्ज भारतीय, मतलब जो हमारे सड़क प्राधिकरण है उसके ऊपर कितना कर्ज बढ़ गया, और अब हम देख रहे हैं कि तमाम सड़कें प्राइवेट हाथों में जाने वाली है, उसकी पूरी तैयारी हो गई कि कैसे ये सड़कें प्राइवेट हाथों में दी जाएगी, या तो अडानी अंबानी के अलावा कोई इस देश में है नहीं जो ले सके और उन्हें ही मिलेगी, धारावी के बारे में भी फैसला हो चुका है। तो अपने लोगों को, चुने हुए उद्योगपतियों को थोक बंद फायदा देने की योजना मोदी जी को आती है और लोगों को गफलत में डालने की कला उन्हें आती है। उन्होंने जब अग्निवीर की घोषणा की थी तो यह कहा था कि बड़ी क्रांतिकारी योजना है, और एक बात तो मोदी जी की सैनिकों की भर्ती, सैनिक किसी को रोजगार नहीं दिया जाता, सैनिक रोजगार का साधन नहीं हमारी सेना है, हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए है, और देश की रक्षा की कोई भी कीमत हो, हमारे सैनिकों का वेतन कितना भी बढ़ाना पड़े वो देश की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक और बात आप देखिए कि इस देश में सैनिक जितने रिटायर हो रहे हैं उनकी तुलना में भर्ती लगातार कम होती जा रही,
जब हमारे देश में सुरक्षा बलों की संख्या 14 लाख से अधिक थी, अलग अलग सभी को जोड़ ले तो शायद ये और भी ज्यादा होगी, लेकिन अब जितने अधिकारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह भर्ती नहीं किए जा रहे हैं, तो ये देश में पहली बार हो रहा है। वरना हमेशा सेना में भर्ती एक स्थायी चलने वाली प्रक्रिया थी कि साल में 2 बार या 3 बार सेना में भर्ती होती थी, सैनिक मुख्यालयों में जाके लोग आवेदन देते थे और एक रूटीन प्रक्रिया थी। लेकिन अब सेना में भर्ती को भी अग्निवीर बना दिया गया है ताकि निजी क्षेत्रों को सुरक्षा बल सिक्योरिटी गार्ड मिल सके, 2-3-4 साल बाद लोग चले जाएं और सरकार को जिम्मेदारी से जिम्मेदारी नहीं उठाना पड़े। तो ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इन सब मुद्दों पर विपक्ष जैसे घेर रहा है मोदी सरकार। अब मोदी सरकार के पास कोई तरीका बचा नहीं है। आप देखेंगे राजीव जी की चुनाव की घोषणा के पहले पहले मोदी जी ये घोषणा कर देंगे कि अग्निवीर योजना में हम ये सुधार कर रहे हैं या उसे बंद कर रहे हैं। और ये भी निश्चित मानिए कि एमएसपी पर भी घोषणा करनी ही पड़ेगी। जैसे राहुल गांधी ने पहले कहा था कि जो किसान विरोधी कानून लाए हैं उन्हें वापस लेना होगा, तो उसी तरह आप देखेंगे कि एमएसपी पर अन्न की खरीद के फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। राजीव जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, विपक्ष कैसे कैसे घेर रहा है यहां पे? राजीव जी, मैं जहां हूं वो मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, सबसे बड़ा शहर है, और मध्य प्रदेश का राज्य एमपीपीएससी का मुख्यालय भी इंदौर में है। जीतू पटवारी ने युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर जो मुद्दे उठाए हैं पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से उठ रहे हैं। कांग्रेस ने पटवारियों की भर्ती के मुद्दे को भी उठाया और अन्य नियुक्तियों के मुद्दे को भी उठाया। मध्य प्रदेश में पीएससी में जहां पहले 2,000, 3,000, 4,000 नियुक्तियां हर साल होती थी, वहां इस साल केवल 60 नियुक्तियां हो रही है, 60, और उसके लिए 2 लाख से ज्यादा अर्जियां आई है। एमपीपीएससी का यह हाल है कि 2017 में जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के नतीजे 2022-23 तक नहीं आते। कितने ही लोग एक ऐसा वर्ग है जिसे नियुक्तियां पत्र देने की घोषणा होती है लेकिन हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आता और नियुक्तियां रद्द हो जाती है। युवाओं ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखना तो बंद ही कर दिया होगा। जो थोड़े बहुत लोग हैं, जो कुछ लाख बचे हैं, 8 करोड़ के राज्य में कुछ लाख ही युवा हैं जो सरकारी नौकरी की उम्मीद रखते हैं। उन्हें पता है कि जब तक ये सरकार है कोई सिस्टम यहां बनाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पक्षपात हो रहा है शिक्षा में, युवाओं के साथ भेदभाव में, कांग्रेस उसे मुद्दा बना रही है। ग्वालियर हो या उज्जैन हो, वहां के विश्वविद्यालयों को सरकार 100-100 करोड़ रुपए का अनुदान देती है लेकिन इंदौर के देवीहिल्ला विश्वविद्यालय को केवल 20 करोड़ अनुदान देती है और ये कहती है कि इस शहर में तो यहां ये तो अपने आप में आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय। जब सरकार मध्य प्रदेश से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक साल में वसूल करती है लेकिन 5 साल में भी 100 करोड़ नहीं देती, तो इसका मतलब ये कि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा फीस वसूली जा रही है और अनेक परिवार ऐसे हैं जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल शहरी युवाओं की है क्योंकि रोजगार नहीं है और पढ़ाई की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी महंगी फीस हो गई। और दूसरी एक और दिक्कत यह है कि परीक्षाओं पढ़ाई विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में होती नहीं है तो अधिकांश विद्यार्थियों को ट्यूशन क्लास जाना होता है, कोचिंग क्लास जाना होता है, जिसकी फीस मनमाने तरीके से बढ़ती जा रही है। तो इंदौर वो शहर है जिस तरह राजस्थान में कोटा है, उसी तरह इंदौर में करीब 4 से 5 लाख विद्यार्थी पूरे देश भर के, बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के यहाँ आके रहते हैं और उनके लिए जीवन दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, नौकरियां नहीं है। और विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम जब हर महीने अपने घर से आग्रह करते हैं कि हमें पैसे भेजिए क्योंकि हमारे गुजारे के लिए यहाँ पैसे नहीं है, तो जो 4-5 हज़ार रुपये हमारे घर वाले भेजते हैं उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, हर महीने हमें पैसे मांगने होते हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि देखिए कितने बड़े बड़े एक वर्ग है जो भोजन भंडारों में लगा है,
रैलियों में लगा है, यात्राओं में लगा है, कहीं महाकाल यात्रा, कहीं ओंकारेश्वर की बम्लेश्वर यात्रा, इस तरह की यात्राओं में लगा। तो युवाओं को भटकाने की पूरी व्यवस्था है। अब जीतू पटवारी और कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो नाराज युवाओं को, युवाओं को वोटों में कैसे तब्दील करें, इसके बारे में सोचना उन्हें है, क्योंकि ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक तरफ पूरी सत्ता है, पूरा सरकारी प्रचार तंत्र है, सरकारी साधन सुविधाएं हैं, दबाव है। एक बात राजीव जी आपको अचरज होगा कि इंदौर में पीएससी लोक सेवा आयोग के सामने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने एक महीने तक सैकड़ों विद्यार्थी धरना देते रहे और किसी अखबार ने कोई खबर नहीं छापी। जब वहां गड़बड़ियां हुई आंदोलन के दौरान तब खबर छपी, कह रही है तो एक महीने से आंदोलन कर रहे थे। और आश्चर्य की बात है कि इंदौर के स्थानीय अखबार, स्थानीय मीडिया, किसी ने भी उन आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों की, युवाओं की खबरें तक नहीं दिखाई। तो मीडिया का मकरजाल इसमें है, सरकारी तंत्र इसमें है, और युवाओं को रोंदा जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजीव जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा मध्य प्रदेश का हाल भी जानना जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है